साथियों, ये मामला जो GST और VAT से संबंधित है, ये आज से नहीं बहुत देर से चल रहा है और जब से ये सरकार आई है तब से बार बार इनको लिखा जा चुका है। और सिरसा में जो 4 FIR लॉज हुई, 377, 378, 379 और 405 नंबर, इसमें IG हिसार द्वारा एक SID इंस्पेक्टर जंगीर सिंह के को इन्वेस्टिगेशन अफसर बना के गठित की गई। ये मामला सिर्फ और सिर्फ FIR दर्ज होने तक रह गया, उसके बाद इसमें कोई तब्दीश अभी तक नहीं हुई, फाइनल रिपोर्ट अभी तक इसमें नहीं आई, जबकि 5-6 महीने इन FIR को दर्ज हुए हो गए। और सुनने में ये यहाँ तक आया है कि 4-5 फर्मों से 10 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रिश्वत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली गई और जिसमें से आधे पैसे सिरसा से कुछ प्राइवेट आदमी हैं उनके द्वारा हड़पे गए और आधे पैसे ऊपर तक पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचाए गए। यही एकमात्र कारण है कि इस केस में आगे से जांच नहीं हो पाई। इस मामले को मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय की नज़र में लाना चाहता हूं कि वो अपनी कुंभकर्ण की जो नींद है उसे जागें और देखें कि हरियाणा में हो क्या रहा है।